मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराब बिक्री रोकने के फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जो होगा उसका पूरी तरह से छत पालन करना ही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो पूरे देश में लागू हुआ है कि राष्ट्रीय मार्ग और राजमार्गों से जितने भी शराब के दुकान है उनको 500 मीटर पीछे हटाने का आदेश है, जिसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से जय प्रताप सिंह जी, सबसे ज्यादा इसका असर ये कहा जा रहा है कि तमाम अन्य राज्यों में तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे फैसले को उत्तर प्रदेश में मिली है और साथ ही इसका असर भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जिस तरह से राज्य राजमार्गों को डीनोटिफाई करके प्रदेश सरकार इसको किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास करने की कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा नहीं लगता आपको, या फिर पूरी ईमानदारी से वाकई आप पालन करने वाले हैं? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन तो किसी तरह भी नहीं है। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे काम, सरकारी काम किसी कारण से पड़े रह जाते हैं। जी, जब ये सरकार बनी और बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा था, उसी समय समझ में आया था कि राष्ट्रीय मार्गों पर बड़े बड़े शहरों के बाईपास बने होते हैं जिनको कागज में डी नोटिफाई करना पड़ता है, ताकि एक्चुअल नेशनल हाईवे उस बाईपास को जाते हुए वही माना जाता है। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे थे, और लोगों को कहीं से समझ में आ रहा था कि शायद इसको नोटिफाई करने से जो बीच का रास्ता जो शहर के अंदर जाता है मंत्री ने भी कहा, उसके दुकानें से बच जाएंगे। जी, ये ऐसे बात नहीं है, वो राष्ट्रीय मार्ग का नोटिफिकेशन करना जरूरी था बाईपास वालों पर, और बाकी जो दुकानें जहां से हटने वो तो हट ही रहे हैं, वो जैसे